हेलो दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाले हैं हॉलीवुड सुपर हीरो आयरन मैन के बारे में। आयरन मैन सीरीज़ में जितनी भी मूवीज़ आई है वो सभी मूवीज़ की लिस्ट, बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो एंड तक देखें और जानें आयरन मैन सीरीज़ की ऑल मूवी की लिस्ट। इस लिस्ट में फर्स्ट मूवी है आयरन मैन। ये फिल्म रिलीज हुई थी 14 अप्रैल 2008 के साल में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था जॉन फेवरियू ने। इस फिल्म की मेन स्टारकास्ट की बात करो तो रॉबर्ट डॉनी जूनियर, टेरेंस हॉवर्ड, जेफ ब्रिजिस, शॉन टॉब एंड ग्वेनेथ पैल्ट्रो इस फिल्म की मेन स्टारकास्ट है। आयरन मैन मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करो तो इस फिल्म का बजट था $140 मिलियन और इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी $585.8 मिलियन। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था। इस लिस्ट में नंबर टू पे जो मूवी है वो है आयरन मैन 2। ये फिल्म रिलीज हुई थी 26 अप्रैल 2010 के साल में। इस फिल्म की मेन स्टारकास्ट की बात करो तो रॉबर्ट डॉनी जूनियर, ग्वेनेथ पैल्ट्रो, डॉन सीडल, स्कारलेट जॉनसन, सैम रॉकवेल, मिकी रॉरिक एंड सैमुअल जैक्सन इस फिल्म की मेन स्टारकास्ट है। आयरन मैन 2 मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का बजट था 170 से लेकर 200 मिलियन डॉलर तक था इस फिल्म का बजट, और इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखें तो $623.9 मिलियन इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था। इस लिस्ट में नंबर थ्री पे जो मूवी है वो है आयरन मैन 3। ये फिल्म रिलीज हुई थी 14 अप्रैल 2013 के साल में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सैम ब्लैक ने। आयरन मैन 3 मूवी की स्टारकास्ट देखे तो रॉबर्ट डॉनी जूनियर, ग्वेनेथ पैल्ट्रो, डॉन सीडल, गाय पियर्सी, रेबेका हॉली, स्टेफनी बेचडेल, जॉन फेवरियू एंड बेन किंग्सली इस फिल्म की मेन स्टारकास्ट है। आयरन मैन 3 मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का बजट था $200 मिलियन और इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी $1.214 बिलियन इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। सो फ्रेंड्स, रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने आयरन मैन का जो किरदार है वो बहुत ही बढ़िया निभाया। आयरन मैन में जो किरदार है टोनी स्टार्क और आयरन मैन जो किरदार है सुपर हीरो का वो बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया है। आयरन मैन मूवी सीरीज़ में टोटल 3 मूवी आई है, आयरन मैन 1, आयरन मैन 2 और आयरन मैन 3। 2008, 2010 और 2013 के साल में ये फिल्म रिलीज़ हुई है। 2021 के एंड तक ये तीन ही मूवी हमें देखने को मिली है। सो फ्रेंड्स, ये तीनों मूवी में से आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, आपको किस मूवी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताएगा। और आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी टाइप की और भी वीडियोज़ अगर देखना चाहते हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।